Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Today we are going to discuss a very important topic, which is named subject verb agreement. We call it agreement. What do you understand by subject verb agreement? It is made up of two important parts. First one is subject and verb, and second one is agreement. The verb of a sentence should agree with the subject of the sentence. This is we call subject verb agreement. किसी भी sentence की verb उस sentence के subject से क्या होनी चाहिए? सहमत होनी चाहिए. सहमत होने का मतलब क्या है? If we have singular subject, the verb should also be singular. And if we have plural subject, the verb should also be plural. Like in these two sentences, are very easy to understand, and we can easily say that both of these sentences are incorrect. Why? Because in the first sentence, the verb play is plural, whereas the subject is singular. That's why it is incorrect. If we want to make it correct, we will have to add an S. And in the same manner, the second sentence is incorrect because the subject is plural, whereas the verb is singular. So if you want to correct it, what would you do? You will simply remove this S. Now these sentences are correct. The first one is he plays cricket, and the second one is they play cricket. Cricket. What do you call it? But dear students, these two sentences are very easy. You are not going to get these easy sentences in your examination. So we have to study, we have to discuss some more important and a little difficult sentences as well. Okay, so I'm going to erase the board. Start. So now we are going to see that there are two elements. There are two particular elements which you need to remember if you want to do this topic clearly. The first one is I am putting a question mark here. पहली चीज क्या है इसमें? देखो मुझे एक बात बताओ बच्चों, इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में दो चीजें हैं. वन इज सब्जेक्ट, द सेकंड इज वर्ब. अगर हमें इन दोनों के बारे में पता लग जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब है और वर्ब सिंगुलर कब है, तो हमसे गलती होगी क्या? गलती इसी बात की होती है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगा दिया? प्लूरल सब्जेक्ट लगा दिया. हम ऐसा नहीं करेंगे. तो ये दो चीजें पता करनी है हमें, एक और दो. तो पहली चीज हम क्या देख रहे हैं कि वर्ब जो होती है वो सिंगुलर कब होती है और प्लूरल कब होती है. आपने अक्सर जो गेम्स खेले होंगे, वीडियो गेम्स वगैरह, उसमें क्या होता है? किसी भी गेम का फर्स्ट लेवल जो होता है वो क्या होता है? इजी होता है. सेकंड लेवल क्या होता है सर? मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है ना. वैसे ही यहाँ पर है, ये फर्स्ट लेवल है जहां पर मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा, इजी है. फिर मैं आपको बताऊंगा सेकंड लेवल के बारे में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है. सो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, सपोज नाउ यू हैव टू कोऑपरेट मी अगेंस्ट इट. आई एम राइटिंग हियर सम ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू नो ऑलरेडी, ही, शी, इट. अगर आपको ही दे रखा हो, शी दे रखा हो, या दूसरा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा हो इसके साथ, तो आप क्या करेंगे? लेट्स सी. अगर आपको इनके सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़े इन सब के साथ, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाओगे या नहीं लगाओगे? Yes or no? Yes. So it's correct. Now suppose आपको इसके साथ do या does लगाना पड़े, तो क्या लगाओगे? Do या does? He does होता है या he do होता है? He does होता है. अगर आपको is are या am, is are या am में से कुछ लगाना
करना पड़े तो सपोज ही इज ही आर ही एम क्या होगा? क्या आएगा? आपको हैज या हैव में से कुछ लगाना पड़ेगा. आपको वॉज या वर में से कुछ लगाना पड़ेगा. दैट्स इट. जो बाकी बच गए डिड हैड सेकंड फॉर्म उनको सिंगुलर या प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता है. नाउ सेकंडली अगर आपको क्या दे रखा हो आई क्या दे रखा हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे लगाओगे. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो इसमें एस ए एस लगाओगे क्या? नो. व्हाई? बिकॉज़ आई डजंट टेक एस और ईएस सो इट इज इनकरेक्ट. सपोज यू आर टू यूज डू और डज. आई के साथ क्या आएगा? डू और डज. डू आई डू है ना. इज आर एम आई एम. हैज और हैव. वाज और वर. The last thing is, अगर आपको दे रखा हो वी यू दे और एनी अदर बाकी फसल लगाओगे ऐसे एस लगाओगे क्या? नहीं आएगा. ही प्लेस होता है लेकिन दे प्ले होता है. प्लेस नहीं है ना. डू या डज. इज आर और एम. As or have. Was or were. If you knew these things, अगर आपको ये चीज पता थी या अब आपको ये चीजें आती हैं तो आपका लेवल फर्स्ट हो गया है क्लियर. वेलकम टू लेवल सेकेंड. ओके द सेकेंड लेवल और द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट. नाउ यू विल हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. दिस सेकंड लेवल इज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट बिकॉज पेपर में अगर आपको ही शी इट आई वी यू दे दे रखा होगा तो बहुत इजी होगा ना. उनके साथ हम आई के साथ कभी आर लगाएंगे क्या? या दे के साथ कभी इस लगाएंगे क्या? तो बहुत इजी है. मुश्किल क्या होगा? मुश्किल यह होगा कि जब हमें इनके अलावा आई वी यू ही शी के अलावा कोई और सब्जेक्ट रखा होगा तो क्या करना होगा. तो मैंने क्या किया है सेकंड लेवल को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए. वो पॉइंट हम वन बाय वन पढ़ेंगे. ओके तो फर्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ Either or, neither nor, and not only, but also. Now, all these pairs are conjunctions. क्या ये? And what do conjunctions do? वो जोड़ते हैं. वो दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं. वो दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं. वो दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं. नाउ ये तीनों में तीनों हैं. ये जब किसी दो वर्ड्स को किसी दो वर्ड्स को जोड़ेंगे व्हाट विल दे डू? आई एम राइटिंग हियर द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वर्ड. और ये वर्ड क्या हो सकता है? ये नाउन भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है. ओके नाउ वी विल हैव टू सी सम एग्जांपल्स टू मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजी. द फर्स्ट एग्जांपल इज आइदर यू और आई आर रिस्पॉन्सिबल for this. Now see, as we all know that in a simple sentence, a sentence which is not interrogative, we find the subjects in the beginning. Either and or, these are conjunctions and they are joining you and I. You is the first word and I is the second word. And what we have written?
the verb is used according to the second verb. So if we are using are here, it is incorrect. Why? Because in either or, we use verb according to the second verb. So according to I, we have to use am. So the sentence would be either you or I am responsible for this. Either tum or ya main iske liye responsible hoon. Dono nahi hai. Ya tum ho ya main hoon. Isi tarah se if I say not only the boy but also his parents have arrived. Not only the boy, but also his parents have arrived. Not only the ladka, but his parents bhi aa gaye. So the first word is boy, and the second one is his parents. His parents, not parents, it's parents. Boliye ek baar. His parents. Okay. Now parents, the word parents is always plural. Parent hota तो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता दोनों. इसलिए पेरेंट्स प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? ये वर्ब कौन सी है? प्लूरल तो है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है. ओके, सो द फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ आइदर ओर, नाइदर नो नॉट ओनली एंड आल्सो. इस समय क्या होता है? द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वर्ड सिंगुलर तो वह भी सिंगुलर, सेकेंड वर्ड प्लूरल तो वह भी. ओके, आगे चले. ओके, द सेकेंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एज वेल एज टुगेदर विद अलोंग विद एंड विद. इन सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम, के साथ साथ, के साथ साथ. और इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट में हमने सेकंड वर्ड की अकॉर्डिंग वर्डिंग की थी, वर्ड यूज की थी, यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? और चूंकि इसमें फर्स्ट वर्ड की अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल मोर डिफिकल्ट देन द फर्स्ट पॉइंट. ओके, पहले वाले से थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज पहले वाले में तो क्या था, वर्ब के जस्ट साथ में जो वर्ड था उसकी अकॉर्डिंग वर्ब आ रही थी, पर यहाँ पे वर्ब से बहुत दूर हुआ वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से बॉय together with his friends are going out for a few days. Now see, the boy together with ladka saath saath, kiske saath saath? His friends. Ladka apne friends ke saath saath ja rahe hain ya ja raha hai? लड़का जा रहा है ना, बट अगर संदेश देखें तो यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ लगा हुआ आर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्रेंड्स आर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ रखना है कि जो कंजंक्शन हमने यूज किया वो क्या यूज किया है? टुगेदर विद. क्या यूज किया है? टुगेदर विद. और टुगेदर विद के बाद वर्ब लगती है तो किसके अकॉर्डिंग लगती है? सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं. सो फर्स्ट वर्ड इज बॉय व्हिच इज सिंगुलर, व्हिच इज सिंगुलर, वर्ब बी क्या होगा? इसी तरह से इफ आई से द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज रेडी टू पार्टिसिपेट, द टीचर as well as the student is ready to participate. Now see, very important literally, students बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं, is दिखने में कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है, सही लग रहा है ना? But see, the word teacher here is singular, singular है ना? तो singular के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए थी? Singular, this means is a correct. So repeat after me the four conjunctions which take verb according to the first word. First one is as well as. Everybody. Along with. And. With.
इलेवन का फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ड यूज करना है ओके ओके स्टार्ट ओके स्टूडेंट्स वी हैव सो फार सीन टू पॉइंट्स रिलेटेड टू सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट आई टोल्ड यू एनी क्वेश्चंस ओके Sir, it is either or either. Okay. Okay, very good questions. Now see. The pronunciation of the word is based on British and American usage. In Britain or England or in British English, we call it either the last sound of the being silent. We call it either. Okay? But in American English, we call it either. Okay? So this is the basic difference. Otherwise, there is no other difference. Yeah, when we study grammar in India, we basically follow most of the times British English. So it would be better for us to pronounce it as either. Okay? Either, neither, no. Any other question? Another question? No. Okay, students, that will be all for today. I hope you enjoyed the class. That will be all. Have a nice day.